हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे, है ना? तो आज हम क्या करेंगे भाई, आपकी आज की क्लास में हम करेंगे मैरीगोल्ड आपकी बुक से, इंग्लिश की बुक से, यूनिट नंबर 2 का एक पोएम करेंगे, ठीक है? क्या नाम है पोएम का? बर्ड टॉक। पिक्चर से भी लग रहा होगा ना भाई, दो पक्षी आपस में बात कर रहे हैं, बर्ड टॉक, ठीक है? तो अब शुरू में क्या पूछ रहा है भाई, डू यू थिंक बर्ड्स फाइंड पीपल फनी? तो आपसे पूछ रहा है कि भाई क्या आपको क्या लगता है कि भाई पक्षियों को इंसान मजाकिया लगते हैं, हाँ? हंसी आती है उनको हम पर? लेट्स लिसन टू व्हाट द रॉबिन एंड द जे हैव टू से। वो कह रहा है भाई चलो सुनते हैं कि क्या रॉबिन और जे को हमारे बारे में कहना है। तो शुरू करते हैं। थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जे, सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे। कह रहा भाई एक दिन गार्डन में बैठे हुए रॉबिन और जे वो क्या कह रहे थे भाई, सोचो सोचो, ठीक है? आपस में क्या बात कर रहे थे, सोचो सोचो। थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो। कह रहा भाई लोगों के बारे में सोचो कि वो बड़े कैसे होते हैं। दे डोंट हैव फेदर्स एट ऑल, यू नो, तुम्हें पता है उनके पास बिल्कुल भी पंख नहीं होते, ठीक है? फेदर्स का मतलब पंख, ग्रो का मतलब बड़े होना। तो क्या क्या कह रहे थे भाई सोचने के लिए कि भी तुमने सोचा है कभी इंसान कैसे बड़े होते हैं, उनके पास तो पंख भी नहीं होते। दे डोंट ईट बीटल्स, दे डोंट ग्रो विंग्स, दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स। कह रहे भाई ना वो पक्षी, ना वो बीटल्स खाते, बीटल्स का मतलब भौरा, कीड़ा होता है, इंसेक्ट बोल सकते हैं। तो ना वो बीटल्स खाते हैं, ना उनके पंख उगते हैं, ना ही वो तारों पर या फिर किसी जगह पर बैठना पसंद करते हैं। भाई पक्षी तो आपने देखा होगा ना, खंभों पर बैठ जाते हैं, तारों पर बैठ जाते हैं बिजली वाले, ठीक है? या फिर हमने तार जो रस्सी होती बांधी होती कपड़े सुखाने वाले, उस पर भी बैठ जाते हैं, कहीं पर भी बैठ जाते हैं मतलब, ठीक है ना? तो कह रहा है लोग तो नहीं बैठते ऐसे। थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जे, आरंट पीपल फनी टू बी दैट वे। कह रहा भाई सोचो सोचो कि लोग कितने अजीब नहीं है इस तरह से, ठीक है ना, कि वो इस तरह से बड़े होते हैं, ना हमारी तरह खाते हैं ना पीते हैं, कि वो अजीब तरह से हैं, अजीब तरह के लोग हैं ना, तो उनको हम अजीब लगते हैं। अब कह रहा भाई न्यू वर्ड्स, कुछ न्यू वर्ड्स हैं पोएम से जो इसने निकाले हैं, ठीक है? उनके बारे में हम देखते हैं। ये क्या, फर्स्ट बीटल्स, मैंने बताया इंसेक्ट होता है भौरा, ठीक है? ऐसे ही सिटिंग, सिटिंग मतलब बैठना, वायर्स का मतलब तार, और फनी का मतलब मजाक किया, है ना, या फिर जिस पर हंसी आए। तो अब हम इसके बारे में कुछ सेंटेंसेस करते हैं इन वर्ड्स के बारे में। बीटल्स, नेम ऑफ एन इंसेक्ट, एक कीड़े का नाम होता है बीटल, ठीक है, प्रकार होता है उसका। आई सॉ अ बीटल ऑन द बार्क ऑफ अ ट्री, मैंने पेड़ की शाखा पर एक बीटल को देखा। ये सेंटेंस है, ठीक है, इसे आप लिखेंगे और याद भी करेंगे। सिटिंग, सिटिंग पर क्या बोलते हैं, टू बी इन अ पर्टिकुलर पोजिशन, तो मतलब किसी एक पर्टिकुलर पोजिशन को बोलते हैं जिसका नाम है सिटिंग, मतलब कि सिट मतलब बैठना, ठीक है? एग्जाम्पल है माई मदर वॉज सिटिंग इन अ बालकनी, ठीक है, मेरी माँ जो है वो बालकनी में बैठी हुई थी। वायर्स, थिन फ्लेक्सिबल रॉड, कह रहा भाई एक पतली रॉड की तरह होती है, सिलेंडर शेप की होती है, ठीक है ना, तार बोलते हैं वायर को। फ्लेक्सिबल मतलब कि जो लचीली हो, ठीक है, जो कि मुड़ सके। अब इसके बारे में सेंटेंस क्या है भाई, इट वॉज अ वी नीड अ लॉन्ग वायर टू कनेक्ट द टेलीविजन। कह रहा भाई हमें टेलीविजन को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए, चालू करने के लिए एक लंबी तार चाहिए, ठीक है? अब तार तो आपने देखा ही होगा ना, ट्यूब में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जितने भी हैं हमारे घर में, फ्रिज, टीवी, मिक्सर, ग्राइंडर हो गया, इन्वर्टर हो गया, ठीक है, मीटर में लगता है वो भी तार ही है, ठीक है ना? तो वायर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने बताए और एक सेंटेंस बताया। फनी, फनी का मतलब कॉजिंग लाफ्टर, मजाक किया, जिस चीज पर हंसी आए, ठीक है? एग्जाम्पल है इट वॉज अ फनी स्टोरी टू रीड। कह रहा भाई जो कहानी हमने पढ़ी वो काफी मजाकिया थी, पढ़ने में काफी हंसी मजाक वाली थी। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं भाई क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं। रीडिंग इज फन,
कह रहा भाई पढ़ना एक मज़े वाली बात है, ठीक है। तो क्वेश्चंस है कुछ तीन यहाँ पर, इनको हम करेंगे। नेम द टू बर्ड्स इन द पोएम, कह रहा भाई जो पोएम में दो बर्ड्स आपस में बात कर रहे हैं उनको नाम बताओ। तो नाम तो बिल्कुल शुरू में दिए हुए थे, तो हम इसको सेंटेंस में कैसे लिखेंगे? आंसर की तरह द टू बर्ड्स आर रॉबिन एंड जे, जो दो पक्षी हैं वो क्या, कौन कौन है? रॉबिन और जे हैं। वट आर द थ्री थिंग्स दैट पीपल कांट डू, कह रहे भाई तीन चीज़ें बताओ जो इंसान नहीं कर सकता। द थ्री थिंग्स दैट पीपल कांट डू आर, जो तीन चीज़ें इंसान नहीं कर सकता वो हैं, दे कांट फ्लाई, वो उड़ नहीं सकते, दे कांट सिट ऑन द वायर्स, वो तारों पर बैठ नहीं सकते, दे कांट गेट फैदर्स एंड विंग्स, कह रहा भाई उनको ना पंख मिल सकते है ना। वट डू बर्ड्स थिंक ऑफ पीपल, कह रहा भाई पक्षियों को, इंसानों के, पक्षी जो हैं इंसान के बारे में क्या सोचते हैं? बर्ड्स थिंक दैट पीपल आर वेरी फनी, वो उनको लगता है कि जो लोग हैं बहुत अजीब हैं, फनी हैं, ठीक है। टॉक टाइम, अब कुछ बातचीत का समय है भाई। तो यहाँ पे हमें दिख रहा होगा पिक्चर में कि दो एलिफेंट दिखाए गए हैं, तो हम देखते हैं क्या कहना चाह रहा है भाई। इमेजिन दैट टू एलिफेंट्स वुड से टू ईच अदर अबाउट पीपल, कह रहा भाई आप कल्पना करो, सोचो कि दो हाथी अगर इंसानों के बारे में बात करेंगे तो कैसे करेंगे। लेट देम टॉक अबाउट, कह रहा है इनको इन चीज तीन चीज़ों पर बात करनी है इंसानों के बारे में, ठीक है। यू कैन से, अब फर्स्ट हाथी के बारे में स्टार्ट कर रहा है भाई ये, लुक एट दैट मैंस नोज, सी हाउ स्मॉल इट इज, कह रहा भाई उस इंसान की नाक को देखो कितनी छोटी है। हाथियों की तो बड़ी बड़ी होती है ना भाई सूंड, तो उनको हमारी छोटी लगती है नाक। तो ऐसे ही हम, मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल तैयार किया है इनकी बातचीत का, वो हम देखेंगे। फर्स्ट तो आपने देख ही लिया भाई, सेकंड एलिफेंट क्या कहेगा आप? इंडीड इट इज, इंडीड इट इज, हाँ बिल्कुल वह छोटी है। ही लुक्स सो स्मॉल, कह रहा भाई वो खुद भी बहुत छोटा लगता है। अब भाई हाथी के सामने तो हम छोटे ही हैं ना, छोटे से। एलिफेंट वन फिर से क्या कहता है भाई, पहला हाथी, वाई वुडेंट ही ईट्स सो लिटल, ओनली 10 चपातीज एंड फ्यू वेजिटेबल्स इन अ डे, कह रहे भाई होंगे क्यों नहीं छोटे, वो खाते ही कितना है, 10 चपाती खाते हैं और थोड़ी सी सब्जी खाते हैं पूरे दिन में। तो अब हाथी जितना आम कैसे खाएं भाई, उनको तो ऐसे लगता है ना कि भाई थोड़ा सा ही खाते हैं, क्योंकि वो बहुत सारा खा सकते हैं। एलिफेंट टू क्या गए भाई, ओ माई गॉड हाउ इज ही स्टिल अलाइव इफ ही ईट सो लेस, कह रहे भाई अरे बाप रे इतना कम खा के भी जिंदा कैसे है ये इंसान। अब एलिफेंट वन कहता है ऑन टॉप ऑफ दैट ही हैज ओनली 2 लेग्स, और कह रहा है ऊपर से उसके पास दो ही टांग है। बताओ खाने से भी प्रॉब्लम है हमारे, नाक से भी हमारे प्रॉब्लम है, और हमारी टांगों से भी प्रॉब्लम है कि भाई दो ही है। तो सेकंड एलिफेंट क्या कहता है, यस ही इज सो अनलकी, कह रहा है हाँ वो बहुत ही अनलकी है, मतलब कि भाग्यशाली बिल्कुल भी नहीं है। लुक एट अस वी हैव 4 लेग्स टू वॉक, है ना हमें देखो हमारे पास तो चार चार टांगे हैं। नॉट ओनली दिस वी ऑल्सो हैव अ ग्रैंड ट्रंक, भाई इतना इतना ही नहीं हमारे पास तो एक लंबी सूंड भी है। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, कह रहा भाई मैं, मुझे अपने आप पर गर्व है। तो ये मैंने आपके लिए एक बातचीत का सैंपल तैयार किया था, ठीक है। आप खुद भी बना सकते हैं कि ये दोनों कैसे कैसे बात कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन चीज़ें यही होनी चाहिए। अब एक एक्टिविटी दी हुई है, इसके हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बाकी के क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स राइट, कह रहा अब लिखने का समय है। लिसन टू द साउंड्स ऑफ द बर्ड्स, मेक अ लिस्ट ऑफ दिस वर्ड्स, कह रहा भाई बर्ड्स की जो साउंड है उनको सुनो और वर्ड्स बनाओ, ठीक है, वर्ड्स की लिस्ट बनाओ कि वो कैसे साउंड करते हैं। अब फर्स्ट इसने एग्जांपल दिया भाई, चर्प चर्प चर्प। अब चर्प की साउंड मतलब चर 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 चर, ऐसे ऐसे करते हैं ना चिड़िया, हाँ चर्प की साउंड करते हुए चिड़िया उड़ती हैं, चिड़ियाएं, ठीक है। तो वैसे एक चर्प की साउंड हो गई, ऐसे हम और कौन सी साउंड लगा सकते हैं भाई? कुकू बर्ड, देखा मैंने एग्जाम्पल लिया कुकू बर्ड का, कुकू बर्ड मतलब कोयल। कोयल कैसे करती है भाई? कू कू, ठीक है ऐसे बोलती है कोयल। अब क्रो जो है, कौवा भी सबने सुना होगा, सबसे बेसुरा है ना, तो कौवा कैसे करता है? काव 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 काव। तो ऐसे ही मैंने इसके वर्ड बना दिए। तो ऐसे ही आप और किसी बर्ड के भी साउंड को ऑब्जर्व करेंगे और उसकी आवाज़ को लिखेंगे शब्दों में, ठीक है।
वर्ड्स की लिस्ट बनाओगे कि वो कैसे कैसे साउंड करते हैं। नेक्स्ट कह रहा भाई, नाउ राइट फोर सेंटेंसेस ऑन बर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। कह रहा भाई पक्षियों के बारे में चार सेंटेंसेस बनाओ, ठीक है, चार लाइनें लिखनी है, चार सेंटेंसेस लिखने हैं और इन शब्दों का इस्तेमाल करना है। ज़रूरी नहीं कि सारे वर्ड्स एक ही सेंटेंस में आए, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, चार बनाने हैं। लेकिन पहला सेंटेंस मैंने बनाया, द बर्ड्स फ्लाई हाई इन द स्काई, पक्षी जो हैं आसमान में बहुत ऊँचे उड़ते हैं। द बर्ड्स चर्प व्हेन दे फ्लाई, बर्ड्स चर्प की साउंड कब निकालते हैं, जब वो उड़ते हैं, मतलब उड़ते हुए भी बातें करते हुए जाते हैं ना, ग्रुप आपने देखा होगा, दो तीन भी घूमते हैं उड़ते उड़ते बातें करते रहते हैं, ची 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 ची, है ना, शोर मचाते रहते हैं। द बर्ड्स केम बैक टू देयर नेस्ट आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, फिर अब जो पक्षी हैं पानी पीने के बाद अपने घोंसले पर वापिस आए, नेस्ट मतलब घोंसला। द बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई, लास्ट सेंटेंस क्या है भाई, द बर्ड्स मतलब पक्षियों के पास उड़ने के लिए क्या होते हैं, पंख, है ना। तो ये सारे वर्ड्स देखो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, ये हमने यूज कर लिए इन सेंटेंसेस में, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पेज पर क्या है भाई, राइट वर्ड्स दैट राइम विद द वर्ड्स गिवन बिलो। कह रहा है भाई नीचे दिए गए शब्दों के साथ जो शब्द राइम करें, मतलब कि तुकबंदी मिलाएं या फिर उन जैसे एक जैसे साउंड करें, ठीक है, उनको लिखो। जैसे एग्जांपल दिया है, ग्रो नो थ्रो, तो सुनने में जो इनका एंड वाला पार्ट है वो एक जैसा लगता है ना, ग्रो नो थ्रो। ऐसे ही डे बे ले, ठीक है, तो ले का मतलब क्या होता है, रखना, ठीक है, डे बे ले। थिंक ब्लिंक सिंक, मतलब सुनने में एक जैसे लग रहे हैं ना, थिंक ब्लिंक सिंक, तो थिंक का मतलब हो गया सोचना, ब्लिंक का मतलब झपकाना, सिंक का मतलब होता है डूबना। फनी, फनी का राइम क्या हो सकता है भाई, मनी हनी बनी भी हो सकता है ना, तो ऐसे ही आप अपने तरफ से भी इनमें ऐड कर सकते हैं और कोई भी लिख सकते हैं जो आपके मन में आता है, मैंने आपके लिए एग्जांपल्स लिखे हैं। ईट सीट बीट, सीट मतलब जो बैठने वाली जगह होती है, बीट मतलब पिटाई वाली भी होती है ना, म्यूजिक की बीट्स भी हो सकती हैं, ताल बोलते हैं इसे। सिंग सिंग रिंग किंग, सिंग रिंग किंग, रिंग का मतलब अंगूठी और किंग का मतलब राजा, देखो ये भी राइम हो गए, ठीक है। ब्लिंग हम लिख सकते हैं ब्लिंग। से अलाउड, अब कुछ शब्द दिए हैं इन्हें हमें दोहराना है, ठीक है, अलाउड का मतलब चिल्लाना नहीं है, दोहराना। थिंक थिंक मतलब सोचना, दिस दिस मतलब यह है, टेन टेन मतलब दस, थिन मतलब पतला, दैट मतलब वह, टॉप मतलब ऊपर, थ्री थ्री मतलब तीन, दो दो बोलेंगे इसको, हालांकि ऐसे बोलते ना, दो हालांकि बोलते ना, हालांकि मैं गया था, दो आई वेंट देयर, लेकिन कुछ मुझे मिला नहीं, बट आई डिड नॉट फाउंड एनीथिंग, तो ऐसे आप इसका मतलब होता है हालांकि। टैंक टैंक मतलब टंकी, ठीक है बच्चों। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस इसके कर लिए हैं, कुछ क्या सारे ही कर लिए हैं, ठीक है। अब लास्ट में हम देखते हैं कि एक्टिविटी दी हुई है, ये आपको खुद से करनी है, इसको पढ़ेंगे, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको एक बार इंस्ट्रक्शंस, उसको आप खुद भी पढ़ेंगे और करेंगे, और ये क्वेश्चन सारे आप करेंगे, ठीक है। लेट्स मेक फिंगर पपेट, कह रहा भाई उंगली वाला एक पुतला, वो क्या बोलते हैं, पपेट बनाते हैं, कठपुतली बनाते हैं, ठीक है। ड्रॉ योर फेवरेट बर्ड ऑन अ शीट ऑफ पेपर, कट एंड कलर इट, कह रहा भाई एक पेपर की शीट लो, ठीक है, ज्यादा बड़ी नहीं लेनी क्योंकि फिंगर पपेट बनाना है ना, उंगलियों पे जो आ जाए, तो एक पेपर पे बर्ड की फोटो बनाओ अपने फेवरेट पक्षी की और उसे कलर करो। सेकंड कह रहा भाई टेक अ स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर, कह रहा भाई एक पट्टी लो कागज की या फिर पेपर की, ठीक है, ले ली एक पट्टी। पेस्ट द पिक्चर ऑफ बर्ड यू हैव ड्रॉन ऑन इट, कह रहा भाई उस पर उस पक्षी की फोटो चिपकाओ जो आपने बनाई थी, इसको बनाना है फिर इस पे कट कर लेना है, ठीक है, और उसको इस पे चिपकाना है।
अब क्या कह रहा है भाई, टाई द टू एंड्स ऑफ द स्ट्रिप, उंगली के चारों तरफ कह रहा है भाई दो एंड्स जो है उसको जोड़ दो, उंगली के चारों तरफ मतलब दोनों जो सिरे हैं कोने हैं उनको चिपका दो आपस में, तो गोल हो जाएगा जैसे दिख रहा है पिक्चर में। फिक्स इट ऑन योर फिंगर्स, कह रहा है भाई अपनी उंगली में डाल लो उसको छल्ले की तरह, रिंग की तरह। योर फिंगर पपेट इज रेडी टू टॉक, कह रहा भाई आपका जो फिंगर पपेट है वो बातचीत करने के लिए तैयार हो गया है अब। लेट योर पपेट फ्लाई अलोंग विद योर फ्रेंड्स पपेट, कह रहा है अपने दोस्तों के साथ उसे उड़ने दो, ठीक है अपने दोस्तों के साथ एक्टिविटी करनी है, आप घर में भी कर सकते हैं, अभी आप दोस्त के साथ नहीं कर सकते। तो घर में जो मेंबर्स हैं, बड़े भाई बहन हो गए, माँ बाप हो गए, ठीक है जो भी है आपके साथ जो करें उनके साथ आप कर सकते हैं ये एक्टिविटी, ठीक है उनको भी सिखाओ भाई कैसे बनाते हैं फिंगर पपेट, ठीक है ना। तो ये हमारा यूनिट 2 का पोएम थी बर्ड टॉक, ठीक है वो हमारी हुई आज फिनिश। इसको सारा रिसाइट करना पोएम को, ठीक है खुद से पढ़नी है, रिसाइट करनी है, ठीक है वर्ड के जो मीनिंग मैंने बताए थे अभी थोड़ी देर पहले शो भी किए थे उनको लिखना है, याद करना है, ठीक है न्यू वर्ड्स है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट, थैंक यू।